हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन में। और आपको मैं एक चीज बताऊं, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कैप्शन बॉक्स। कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन या टेबल ऑफ फिगर, ये इस ऑप्शन में हम सीखेंगे। इस प्रकार हम अपनी इमेजेस का नेम दे सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेबल बनाते हैं। किस प्रकार हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी टेबल ऑफ फिगर्स बनाते हैं, सो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे कैप्शंस बॉक्स। कैप्शंस बॉक्स का सिंपली यूज होता है इमेजेस की टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे आते हैं। सबसे पहले आता है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन में यानी कि आपको इमेज का नाम देना होगा, और उस इमेज का नाम देने के लिए हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। उसके अलावा जो इमेजेस है, जो फिगर्स है हमारी, उसकी टेबल बनानी है तो उसके लिए हम टेबल ऑफ फिगर्स का यूज करते हैं। तो आइए इसको विनवर्ड में स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ ले लिया, यहाँ इमेजेस ले लेते हैं। ऑल्ट एन पी, तो यहाँ पे हम पिक्चर्स पे जाके अपनी इमेजेस ला सकते हैं। ये मैंने ले ली एक लाइट हाउस, ओके। सो यहाँ पे हमें दूसरी इमेज चाहिए, ऑल्ट एन पी किया, ओके। तो हम यहाँ पर दो इमेजेस आ चुकी हैं, अब इमेजेस का नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली इमेज पे गए, ऑल्ट एस पी। ऑल्ट एस पी से हमारा सबसे पहले फिगर वन आएगा, ओके करना है जस्ट आपको। उसके बाद आपको इसका नाम लिखना है, जैसे मैंने लाइट हाउस लिख दिया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है फ्लावर की, ऑल्ट एस पी किया। ऑल्ट एस पी करके हमारे पास यहाँ पे फिगर टू आ गया, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमने दो इमेजेस के नेम लिख दिए हैं, यहाँ पे हमने दो इमेज के नाम लिख दिए हैं। कंट्रोल होम किया, कंट्रोल एंटर, फिर कंट्रोल होम, ओके। याद रखिएगा, कंट्रोल एंटर करना है, हमें एक नया पेज लेना है, फिर कंट्रोल होम करना है, सबसे शुरू में जाना है। यहाँ पे हमें फिगर की टेबल चाहिए, तो फिगर्स की टेबल के लिए ऑल्ट एस जी। ऑल्ट एस जी जैसे ही आपने प्रेस किया, यहाँ पे फिगर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर दीजिए। और यहाँ हमारी फिगर्स की टेबल आ गई। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट कैप्शन का यूज होता है फिगर्स की टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ तक के लिए ऑप्शन हमारा फिनिश होता है। आपको समझ में आया टेबल ऑफ फिगर क्या है, किस प्रकार यूज होता है, और आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।